to the channel and welcome back to another video. Another Q&A. Oh, okay. आज हम कर रहे हैं Q&A video. तो मैंने Instagram पे और YouTube पे एक post डाली थी जिसमें मैंने आपको बोला था कि मेरे को आप questions सवाल पूछिए हमारे से. सवाल पूछिए हिंदी. हाँ, हिंदी में स्पष्ट हिंदी में आप सवाल पूछिए और आपके कई सारे सवाल जाए questions आए कई सारे हमारे लिए कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, आपने यूट्यूब कंटिन्यू वापस क्यों किया? जो लोगों को बहुत टाइम से देख रहे हैं उनको पता है कि मैं पहले भी यूट्यूब स्टार्ट किया था. मैंने 2022 में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था उसके बाद मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरा मन भर गया था इस वजह से, क्योंकि इसके पास कोई पार्टनर नहीं था अच्छा जो उसके साथ वीडियोस बना पाए, जो उसके साथ खाने पीने जा पाए, है ना, इसलिए दैट्स अ रीजन. नहीं ओके, ये भी मान सकते हैं. उसके बाद फिर मेरे को पता नहीं एकदम से ख्याल क्यों आया मेरे को करना चाहिए वापस कंटिन्यू, तो मैंने कर लिया वापस क्योंकि हम भूखे ज्यादा है ना, खाते पीते ज्यादा है ना, क्या करें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि आप दोनों कैसे मिले, हम दोनों की क्या फ्रेंडशिप कैसे हुई, तो तू बताएगा ये. तू बता. मैं एक्चुअली स्कूल फ्रेंड हूं, क्लास फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, जो भी मानना है वो मान लो. हाँ, तो हम दोनों स्कूल में फ्रेंड्स थे 10th में. उसके बाद हमारी काफी टाइम तक बातचीत नहीं हुई, एकदम से फिर हमारी बातचीत हुई, फिर हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए. कि क्या आप फेमस होने के लिए कोई गलत काम करोगे? नहीं, जैसे लोग कंट्रोवर्सी मतलब जो हाई लेवल का कुछ करते हैं कि नहीं ये वो फालतू जो चीजें करते हैं हम नहीं फोड़ेंगे बम बम कहीं पे भी. हाँ, टेंशन मतलब हम नहीं करेंगे, वो सब जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, अपना खाने पीना ऐश कर रहा. आपकी एज क्या है, क्या है आपकी एज? मेरी, मैं स्वीट 16. मैं 16 साल का हूं. ये 24 का है और मैं 22 की हूं, दो साल का डिफरेंस. 23. तू 24 का हुआ है अभी. तू 23 की होगी अब. हां, मैं 22 की हूं अभी, तो मैं 22 की हूं ना, बाद में 23 की हो जाऊंगी. ठीक है, ना तो 24 का है तू. ठीक है, शर्माना ही एज बताते हैं. तू हर्ष हैव गर्लफ्रेंड? क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? जो अच्छे दोस्त है हमारे वो जानते हैं, मेरी कोई भी नहीं है और है तो ठीक है, पता नहीं. क्या आपको हेट मिलता है? हेट तो अभी तक नहीं मिलता यार, अभी तक तो नहीं. हेट का कुछ वो नहीं है, पर हाँ कई लोग हैं जो गलते जरूर हैं, क्योंकि सच्चाई बोलने में यार डर लगता है ना लोगों को, पैसे लेके कुछ भी कर दो आप. कई लोग हैं हमारे साथ, अभी बीच में एक रिसेंट वो हुआ है ऐसा कि मिस्टर टिक्कू है जो, उन्होंने वीडियो बनाई थी जो जनकपुरी सीफोरी में, जिनकी हमने वीडियो बनाई थी. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वीडियो बनाई और उसके अंदर बोला बहुत अच्छा है, ये है वो है, ये है वो है, और हम खा के आए थे वो सबसे गंदा खाना लगा था आज तक की मेरी पूरी यूट्यूब की जितनी भी वीडियोज है उसमें सबसे उठा के देख लेना, सबसे गंदा खाना था उसका मोमो वेज शोरमा वाले का, क्योंकि उसके अंदर खट्टापन पता नहीं क्या क्या था, मेरे को बहुत गंदा लग रहा था. पर फिर हमने ऐसे ही नॉर्मल एक कमेंट कर दिया था उस पर कि अगर सच्चाई दिखानी है तो सच्चाई दिखाओ, ये नहीं कि पैसे लेके जो मर्जी बोल दो आप. ये हुआ, फिर उसके बाद हमारे को मोमो वेज शॉर्मा वालों के वो आया, मैसेज आया, कॉल आया एक बारी कि आप वीडियो डिलीट करिए वरना आपके साथ बहुत बुरा बुरा होगा, ये वो. पर हम बस हमारे से एक गलती हो गई कि हमने उनकी कॉल जो कॉल थी, कॉल तो शायद से अभी गुम हो गई होगी कॉल डिटेल्स में, मैसेज उनका और जो कमेंट वगैरह उनके आए थे वो हमने डिलीट कर दिए. वो मैंने सोचा इतना जरूरी नहीं है, क्या खामा का फालतू, तो मैंने ये सोचा कि मेरे को इसका स्क्रीनशॉट लेके कुछ बात करनी चाहिए, पर मैंने कहा छोड़, मैंने हटा दिया और मैंने डिलीट मार दिया. हमारे में इतना अभी वो नहीं है ना, हम यूट्यूबर्स माइंड नहीं लगाते अभी इतना. मैंने कहा छोड़, हो सकता है ये आगे तो ये चीज चलती रहेगी, तो मैंने इतना वो नहीं करा. तो मैंने कहा चल, तो हां हेट तो नहीं मिलता, पर हां कभी कभार ऐसी चीजें होती है हमारे साथ. चलो नेक्स्ट, क्या आप कभी मेंटल टॉर्चर से गुजरे हो? मेंटल टॉर्चर का कभी किसी ने आपको बहुत ज्यादा वो कर दिया हो, मेंटली परेशान, डिस्टर्ब होता है हर किसी के साथ, होता है. किसी ने किया था? नहीं, मतलब वैसे होता है यार, हम किसी का नाम क्या ले, नाम लेना जरूरी नहीं समझता मैं. मेरे साथ तो हुआ है भाई, मेरे स्कूल में जो मेरी टीचर थी उसने मेरे को बहुत परेशान किया था जब मैं 8th क्लास में थी, इतना दुखी करा था उसने मेरे पे, इतने गंदे गंदे एलिगेशंस लगाए थे कि उस टाइम में मेरे को उन चीज़ों का मतलब भी नहीं पता था, और इवन अब जब मैं सोचती हूँ यार उस चीज़ का वो मतलब होता था तो मेरे को तो उस टाइम पता भी नहीं था, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा फेस करी है मैंने 1 साल तक, मैंने स्कूल छोड़ दिया था उसके बाद. चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते. क्या कभी किसी ने आपको धोखा दिया है? धोखा? हाँ, फ्रेंडशिप में. फ्रेंडशिप में तो धोखे क्या होते हैं यार, हमारे में लड़कों में धोखा नहीं होता, अगर बात है तो है वरना नहीं है. अच्छा, मेरे साथ तो हुआ, मेरे को तो फ्रेंडशिप में काफी ज्यादा बेइज्जती मिली, बहुत ज्यादा मिले, बहुत ही ज्यादा. आप कभी किसी फेमस से मिले हो? फेमस से? हाँ, मैं मिला हूँ एक बारी. किससे मिले? मैं मिलिंद गाबा से मिला हूँ,
सपना चौधरी से मिला हूँ, बी प्राक से मिला हूँ, और एक का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो सॉरी दिलेर बहंदी से मिला हूँ. मैं एक भी बंदे से नहीं मिली हूँ फेमस. मैं सिर्फ एक बंदे से मिली थी जो हार्डपिक की एड में आता था ना पहले, हुसैन. हुसैन वो मैं उससे एक इवेंट पे मिली थी, वो किंगडम ऑफ ड्रीम्स में. हाँ, उसी में. बट मैंने सब फेमस लोगों के घर देखे हैं और मिली किसी से. आप कभी किसी फिजिकल फाइट में हुए हो इंक्लूड? बहुत बारी स्कूल में तो होती है, अब नहीं करते, अब तो छोड़ दी सारी हरकतें ऐसी. हाँ, मैंने भी बस एक लड़की को थप्पड़ मारा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं. विच यूट्यूबर यू डिसलाइक द मोस्ट? सबसे ज्यादा किसको आप ना पसंद करते हो यूट्यूब पे? मेरे को वो अच्छे नहीं लगते जो झूठ बोलते हैं यूट्यूब पे, जो लोगों को धोखे में रखते हैं. हाँ. जैसे हमारी जितनी भी फूड व्लॉगिंग इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे, उसके अंदर बहुत सारे क्या आधे से ज्यादा वही है कि पैसे लेंगे, बस आपकी व्यूअरशिप बढ़ा देंगे, पर आपको वो चीज नहीं लाके दे पाएंगे जो आप चाहते हो. हाँ. अब जैसे कई जगह हम गए हैं, वहाँ का खाना बहुत अच्छा नहीं है, खाना इतना अच्छा नहीं है, और जैसे पैसे बहुत आई है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, पैसे बहुत आई है, खाना अच्छा नहीं है, पर वीडियोस के अंदर उनकी ऐसे हाइप बना रखी होती है, यार ये क्या बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है. आधे लोग पैसे लेते हैं, और मेरे को वो चीज़, देखो पैसे लेने को हर कोई लेता है. अगर आप पैसे ले रहे हो आप सच बोलो. यूट्यूबर जिसको मैं नहीं पसंद करती, एक तो यही जो लोग झूठ बोलते हैं फालतू के, जो व्यूअरशिप के लिए कुछ भी थंबनेल लगा देते हैं, जैसे क्विर्की मिस लगा लिया. हाँ, मेरे को क्विर्की मिस से नफरत है. मेरे को नफरत क्या है, मतलब कि यार एटलीस्ट आप चीज दिखा रहे हो कुछ और दे कुछ. मेरे को कैरी मिनाटे भी नहीं पसंद. Things you hate about each other. हम एक दूसरे के बारे में जो हमको बिल्कुल नहीं पसंद. तेरे को क्या नहीं पसंद मेरे ऊपर? गुस्सा. मैं गुस्सा करती भी नहीं हूँ. आपको ये लगता है? अच्छा, और गुस्सा और मूड चेंज बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, अब मेरी बारी. ये टाइम पे नहीं आता बंदा. आज पहली बारी टाइम पे आ गया. ठीक है, टाइम पे नहीं आता, इतना मुझे परेशान करता है कभी कभी. मेरी बात से सहमत ही नहीं होता, जबकि मैं सही भी होती हूँ तब भी. और बहुत अलग पर्सनैलिटी का है यार. क्या आप दिल्ली के अलावा कहीं और रहना पसंद करोगे? ना, दिल्ली से शिफ्ट होना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं, दिल्ली जाने यार. मैं जरूर होना चाहूंगी, रहने के लिए अच्छी जगह है, बस हाँ भीड़ बहुत ज्यादा होगी अब दिल्ली में. क्वेश्चन, डू यू गाइस फाइट विद ईच अदर? क्या हम दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं? बहुत ज्यादा. हाथापाई होती है कसम से. क्योंकि लड़के कभी सही नहीं होते भाई, लड़कियां ही सही होती है हमेशा. फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड क्या है? मतलब सबको चाइनीज में बताओ. मेरा ऐसा सच कोई फेवरेट फूड है नहीं अभी तक, पर हाँ मेरे को जो चीज अच्छी लगती है वो सबसे ज्यादा लगती है. अगर मेरे को बेस्ट कहीं के हनी चिली पोटैटो मिल गए, या फिर एक चिली पनीर मिल गया. अगर आप डाइट में जाते हो तो डाइट में मेरे को चाहिए सबसे जो हेल्दी चीज, मेरे को हेल्दी भी मत मानो कुछ भी मत मानो, कि मेरे को एक सैलेड. अरे एल्विच भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अच्छा लगता है वो भी ग्रीक सैलेड, अगर उसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव्स और वो हो लेमन. ये देखो अंग्रेज चले गए, इसी को छोड़ गए. मेरे को चाइनीज में पसंद है चिली गार्लिक चाउमिन. ठीक है, इंडियन में मुझे पसंद है चाप एंड रुमाली. इटालियन में मुझे पसंद है पास्ता. फेवरेट यूट्यूबर? अपन है ना, अपने आप को फेवरेट मानता हूँ मैं. बता अपार्ट फ्रॉम जो फेवरेट यूट्यूबर. अब कई बोलेंगे यार क्या बोल रहा है ये, वो बताना. एलविच भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? अरे एलविच भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ए एलविच भाई. ओके, चल पागल है. मेरे को पसंद है, मेरे को ट्रिगर इंसान पसंद है, मेरे को संभावना स्टेट एंटरटेनमेंट पसंद है, एंड मुझे फ्लाइंग इंग्लिश. ये तीनों टॉप के हैं, मैं इनकी देखती देखती हूँ हर वीडियो. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसपे थोड़ी बहुत तेज आगे बात चलेगी. नेक्स्ट है योर कोल्ड वॉर विद क्वर्की मिस. तो एक साल पहले मैंने कभी वीडियो बनाई थी बजट बाइक्स पे, जहाँ पे मैंने टेस्ट किया था कि बजट बाइक्स का खाना कैसा होता है कैसा नहीं. क्योंकि आपको पता है मैं ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं. क्योंकि वो बजट बाइक तुम्हारे को जिंदगी में कभी मिला ही नहीं. वो मिला नहीं, जेल रोड पे था वो बंद, बट गूगल के अनुसार वो खुला हुआ था. उन्होंने अभी भी अगर आप सर्च करोगे तो भी वो बजट बाइक्स ही आएगा वहाँ पे लिखा हुआ. हम उसकी दूसरी लोकेशन पे गए, वो लोकेशन मुझे नहीं पता कहाँ थी, एक बार वो वीडियो जाके देखो. तो जब हमने वीडियो बनाई तो हमको नहीं पता था कि हमको यार इतने व्यूज मिल जाएंगे, कभी कोई ये चीज सोच हमने खाली था. और पहली बात हमने व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाए थे हम. हाँ, तो हमें नहीं पता था कि हमें इतने व्यूज मिल जाएंगे भाई. हमको पता था कि हम 21K रीच तक चली गई हमारी. इतना बड़ा अमाउंट हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि ये क्या हो गया. और नेगेटिव कमेंट्स उस पर बहुत आए, बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए. उसके बाद हमारे इंस्टाग्राम आईडीज भी ब्लॉक हैं.
हाँ, सबसे मेन बात मैं लाइव प्रूफ अभी इस वीडियो में डाल दूंगी कि मैं क्वर्की मिस के थ्रू ब्लॉक हो चुकी हूँ. उसने मेरे को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया है. वीडियो के बाद ही किया गया, ऑब्वियसली बात है. और होपफुली हो सकता है उसने हमारी वीडियो देखी हो, क्योंकि उसके उसके जो फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उन्होंने हमारी वीडियो देखी. इतने डिसलाइक आए हैं उस वीडियो पे और इतनी कमेंट्स आई थी कि वो सही है. ये काफ़ी लोग मेरे सपोर्ट में थे कि आप सही कह रहे हो, उसने बहुत स्कैम करे हैं, बैग्स को लेकर स्कैम करे हैं उसने. वो गिव अवे करती है बट कभी भी वो चीज़ टाइम पर आती नहीं है, या तो आएगी ही नहीं, ब्लॉक कर देती है. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को ब्लॉक करे ना रखे, आई रियली डोंट केयर. अगर मैंने स्टार्टिंग से उसको ऑलमोस्ट, मैंने उसकी स्टार्टिंग से काफ़ी वीडियोज़ देखी, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी उसकी सब्सक्राइबर थी, फॉलोअर थी. बट मैंने उसको अनसब्सक्राइब कर दिया क्योंकि यार वो ना बहुत ज़्यादा ना रोना धोना करती थी, समझ रहे. रोना मतलब हर चीज़ पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के मैं बीमार हूँ, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, हद से ज़्यादा. मेरे भाई, उसके भाई को फाइन कुछ मेंटल इशूज़ हैं और इस वजह से उसका भी उसने बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया कि अटेंशन ग्रैब करने के लिए. तो ये चीज़ें ना वो इंस्टाग्राम पर डालती रही, यूट्यूब पे हर वक्त रोना धोना, तो मेरे को ना उससे एक नेगेटिव वाइब आने लगी अपने. मैंने उसको भाई अनसब्सक्राइब कर दिया था उसके बाद से, काफ़ी टाइम तक. तो हर उसकी उसमें देखिए वो रो रही होती है थंबनेल पे, उसके बाद यही चलता रहा. तो यार सोच उसने कितना वो किया, सिंपैथी गेन करी उसने उस चीज़ से. कितने टाइम के बाद उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ उसके बजट बाइक्स जो है क्लोज हो चुका था. काफ़ी टाइम के बाद, 3-4 महीने के बाद उसने वो वीडियो निकाली. उसने बजट बाइक्स की क्लोजर के बारे में बताया था. उसने ना काफ़ी लाइंस बोली थी. एक क्वेश्चन उससे पूछा गया था कि क्या आप लोगों के पर्सपेक्टिव से ऑफेंसिव फील होता है, आपको अजीब लगता है. तो उसने उसमें बहुत लंबा भाषण दिया था और वो भाषण सुन के मेरे को लगा था उसने मेरे को बोला है साफ साफ कि लोगों का पर्सपेक्टिव कुछ भी हो सकता है, हम हर किसी को बता नहीं सकते कि वो चीज़ क्यों हुई है, कैसे हुई है, लोगों को जो सोचना है वो सोच सकते हैं. बहुत ही लंबा गया था, ऐसा लगता था जैसे फेस टू फेस बात हो रही है उसकी और मेरी. तो यही बात है, मैं यही कहना चाहती हूँ मेरे को ब्लॉक करके तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई रियली डोंट. वो अपनी लाइफ में जो कर रही है सिंपैथी गेन करने के लिए वो करती रहे, मैं जो कर रही हूँ ऑनेस्टी के साथ वही करती रहूँगी, क्योंकि ऑनेस्टी का रास्ता हर कोई नहीं चल सकता उस पर. तो आज के हमारे सवाल जवाब यहीं ख़त्म होते हैं. आई होप आप लोगों को हमारा ये सब कुछ बहुत ही बढ़िया लगा होगा. Q&A बहुत जल्दी वापस करेंगे, 4-5 महीने के बाद. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जो जल्दी, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.